माँ जी, कभी कभी मुझे भी लगता था कि लोगों ने मुझे काफ़ी ताने कसे हैं और लोगों ने काफ़ी मेरा पब्लिक प्लेस मजाक उड़ाया है। चाहे आज मेरे पास 5 घर है ब्रिटिश नेशनैलिटी और मैंने 65 कंट्रीज देखी है, पर माँ जी इन बच्चों की तरफ देखिए जो सिंगापुर में ज़मीनों पर सोते हैं और इनकी लाइफ तो मुझसे भी काफ़ी टफ है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ मुझे मेंटली टॉर्चर किया था, पर ये बच्चे सिंगापुर में जॉब ना मिलने की वजह सड़कों पर सोते हैं और खाली पेट सोते हैं। तो गाइस आज का वीडियो लेकर आया, कोई भी माँ का बेटा सड़कों पर ज़मीन पर ना सोए उनका मोटिवेट करने के लिए नई कंट्री लेकर आया हूँ। वो कंट्री है डेनमार्क, जहाँ पर डेनमार्क ने भी खोल दिया वर्क वीज़ा, जैसे इटली ने, पुर्तगाल ने खोला था। अब डेनमार्क के वीज़ा का नाम है पॉजिटिव लिस्ट वीज़ा, जो कि स्किल्ड और हाई एजुकेशन वर्कर के खुल गया है। इसके लिए आज आपको मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक दिल से स्वागत है। जी है, सिंगापुर है, सिंगापुर मेरी जान, जो है लिटिल इंडिया के एरिया, वहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उन बच्चों का मोटिव कर रहा हूँ कि डेनमार्क ने भी शुरू कर दिया है पॉजिटिव लिस्ट वर्क वीज़ा, जो कि 4 साल का है, जो आपको घर बैठे मिलेगा। और इस वीज़ा की खूबसूरती ये है कि ये यूरोप की नंबर वन कंट्री में डेनमार्क आता है। इसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, इसके लिए छोटे बच्चे की तरह बताऊँगा व्हाट इज़ ए पॉजिटिव लिस्ट डेनमार्क वीज़ा, हाउ लॉन्ग इज दिस वीज़ा, व्हाट आर द फीस फॉर दिस वीज़ा, वॉट आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस वीज़ा, वॉट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस वीज़ा, वॉट आर द टॉप जॉब साइट्स फॉर ए डेनमार्क, वेयर यू कैन फाइंड ए एम्प्लॉयर एंड यू कैन फाइंड ए जॉब, और ये बताऊँगा क्या आपके डिपेंडेंट आपके साथ यहाँ पर आकर फुल टाइम काम कर सकते हैं और क्या आगे जाकर आप अपने PR की फाइल यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके लिए आज आपको मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो आदमी वीडियो को लाइक और कमेंट करेगा वो मेरे साथ फ्री ट्रैवल करेगा USA में, और क्योंकि नेक्स्ट कंट्री में जा रहा है USA, जहाँ पर मेरे पास साइट पर दिखाया ब्रिटिश एयरवेज का वाउचर है जो देगा आपको फ्री एक्सेस गो टू USA, प्लस आप मेरे साथ 5 रह सकते। इसके लिए आपको मेरे वीडियो को दिल खोल के लाइक करना है। चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ए डेनमार्क पॉजिटिव लिस्ट वीज़ा। डेनमार्क पॉजिटिव वीज़ा उन लोगों ने खुला है कि डेनमार्क ने रियलाइज़ किया है कि यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टेज, इवन 40% ऑफ जॉब्स पर लोगों के पास काम करने के लिए नहीं है। तो इसके लिए डेनमार्क गवर्नमेंट इसको दो भाग में डिवाइड किया है, एक बार वीज़ा कर दिया स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जो बच्चे कारपेंटर हैं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, स्टोर कीपर है, अकाउंटेंट है, और एक कर दिया हायर एजुकेशन के लोग को, जो लोग यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल, उनके नाम पर। तो इसलिए यहाँ पर ये वीज़ा खोला है उन बच्चों के लिए ताकि आप लोग यहाँ पर 4 साल आकर इसका कॉन्ट्रैक्ट ले सको और 4 साल प्रॉपरली काम करने के बाद दोस्तों आप यहाँ के PR पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये खुला है ड्यू टू शॉर्टेज एम्प्लॉयर इन डेनमार्क। अब डिस्कस करते हैं, आपके क्वेश्चन गैरी से बताएं कि कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पर हम बच्चे ये वीज़ा लगा कर जा सकते हैं। और इस वे खूबसूरती बात यह है दोस्तों, आप वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना कि आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। अब डिस्कस करते हैं स्किल वर्कर वीज़ा, जहाँ पर मैंने बताया स्किल वर्क कारपेंटर हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस, जो ब्रिक लेयर होते हैं, रूफ टाइलर, किचन टाइलर, फिटर्स, सिक्योरिटी गार्ड, जो कैशियर, सुपरमार्केट में काम करने वाले लोग, जो सेल्स एसोसिएट्स के होते हैं, आप नाम लीजिए, जो स्किल्स जो कि एक सेमी स्किल्ड है जिसकी बहुत डिमांड, क्लीनर, वेटर, वेट्रेस, इन सब की बॉर्ड में डिमांड है। गाइस ये है सिंगापुर, है सिंगापुर मेरी जान, और इसको पता लिटिल इंडिया, और आप लोग को वीडियो बनाने के लिए मैं न्यूजीलैंड आया हूँ। आपको छोटी सी क्लिप जरूर दिखाऊंगा, आप मोटिव करें आधे सेकंड के कि कैसे ही लड़का मॉरिशस से मेरे वीडियो देखकर आज 5 लाख हाउसकीपिंग का वीज़ा ले गया न्यूजीलैंड में बगैर एजेंट। इसको भी लोगों ने यही कहा होगा कि आप लोग ऑनलाइन अपला कर बाहर भी जा सकते हैं, इसकी वीडियो जरूर देखिए। आप किस जॉब टाइटल पर यहाँ पर आए हैं? अच्छा, सीनियर हाउसकीपिंग ऐसा था, रूम अटेंडेंट ना, हाउसकीपिंग पर हो। और सर जो आपने जॉब खुद ढूंढी थी कि आपका कोई दोस्त था कि ऑनलाइन ढूंढी थी? वाह, सीख के थ्रू किया था। अरे ये तो मेरा बंदा है, इसने तो सीख के थ्रू अप्लाई की थी, शुक्र कोई तो आज सीख के मिला। एंड आई एम श्योर आप मेरे सब्सक्राइबर भी थे, आपने वीडियो पहले देखी थी? बहुत ज्यादा वीडियो देखी आपने। आपके दोस्त काफी मेरे वीडियो देख कर यहाँ पर आए हैं? मैंने आपके बहुत वीडियो देखी, मैंने आपको बहुत ट्राई किया, बात करूँ आपसे उनसे, वो व्हाट्सएप नंबर अभी भी आपका। लेकिन आज हम न्यूजीलैंड की धरती पर मिल गए ना। जैसा हम स्क्रीन पर देखा है, अब आपको मैंने बता भी दिया किस डिमांड शॉर्टेज की डिमांड है, आप खुद जा सकते हैं स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहे हैं इस लिस्ट पर, और जाकर देख सकते हैं क्या बुक कीपर हो, क्या क्लीनर हो, क्या जो जो लगाते हैं गारा लगाते हैं ब्रिक लेयर्स हो, क्या आप रूफ टाइलर हो, क्या आप सिक्योरिटी गार्ड, किसकी डिमांड है ये आपको जाकर चेक करना है। और इसके अलावा स्किल वर्कर की भी बहुत डिमांड है, वो मेरे भाई हैं, चाहे वो टीचिंग एक्सपीरियंस से हैं, चाहे वो अकाउंटेंट हैं, चाहे आप लोग डॉक्टर हो, नर्सिस हो, आप लोग की बहुत सारी डिमांड है। चलिए अब डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, ये वीज़ा कितने दिन में लगकर आते हैं और इसकी वीज़ा फीस क्या है। ये वीज़ा लगकर आते 10 to 15 days लगकर आते हैं, मैक्सिमम लगती है इसको 1 month। जो इसकी वीज़ा फीस है वो रफली 4,500
दनीश करेंसी में है जो रफली इंडियन के हिसाब से 50,000 बनते हैं। तो गाइज अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर एलिजिबिलिटी फॉर दिस वीज़ा। एलिजिबिलिटी के लिए दोस्तों सबसे ऊपर हम रखेंगे आपको जॉब फाइंड आउट करनी है, आपको स्पॉन्सरशिप या जॉब फाइंड आउट करने के लिए आपको सारी वेबसाइट दिखाई जा रही है। इसके लिए वेबसाइट का नाम है वर्क इन डेनमार्क, जहाँ पर एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहाँ पर 50,000 वैकेंसीज लिखी हुई पड़ी और गवर्नमेंट प्रूव किया इन कंपनी को कि इनको LMI की जरूरत नहीं है और ये लोग आपको ले सकते हैं। तो गाइज आपने वर्क इन डेनमार्क पर जाना है, jobindex.dk पर जाना है, आपने इंडीड पर जाना है, आपने वहाँ पर सब जगह जाकर ये जॉब अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप जॉब अप्लाई करनी है, जो कि बेसिक स्टेप है। उसके अलावा स्टेप नंबर 2 ये है कि आपकी जो जॉब है वो लिस्ट पॉसिबल लिस्ट में होनी चाहिए। उसके आपको स्क्रीन पर दिखाया भी गया और आपको लिंक भी दिया जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप खुद जाकर देख सकते हैं क्या आपकी जॉब पॉसिबल लिस्ट में है। चाहे मान लीजिए आप कारपेंटर की बात करते हैं, उसकी तो है, इसका मतलब कि वो एलिजिबल है। थर्ड थिंग आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा, जो आपका एम्प्लॉयर है आपको नहीं, उसको आपको सैलरी देनी पड़ेगी एज पर दिनेश स्टैंडर्ड, मतलब कि जो आपकी सैलरी है एज पर लोकल आप जितना लेते हैं उसके मिलनी चाहिए, और आपको जो पेड हॉलीडेज, सिकनेस हॉलीडेज, आपको पेंशन मिलनी चाहिए और आपका कॉन्ट्रैक्ट एज पर दैनिश होना चाहिए। इसके अलावा एक और कंडीशन है, वो है आपकी पेमेंट जो कि दैनिश बैंक में आनी चाहिए। गाइस अगर आपकी पेमेंट बैंक दैनिश बैंक में आ रही है और आपके एम्प्लॉयर को क्या करना है, इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर को वो पेमेंट देनी है, वो पेमेंट आपको पेस पेमेंट के रूप में मिलेगी पे स्लिप के, और इसके अलावा वो आपको पेंशन के पैसे देगा, और इसके अलावा उसको मेक श्योर करना पड़ेगा दोस्तों कि वो आपको हॉलीडेज अलाउंस भी दे रहा है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। इसके अलावा आपके और आपके एम्प्लॉयर को 2 फॉर्म भरने तक ये है लिटिल इंडिया एंड सिंगापुर। रुक जाइए, यहाँ पर आने 10 बार सोची भी, यहाँ बच्चे गरीब ज़मीन पर सोते हैं, आपका धोखा ना हो जाए, यहाँ से बीते यूएसए कैनेडा कोई वीज़ा नहीं लगता है, पर बताना मेरा फर्ज है दस आने का बात कैसे पड़ गया। इसके लिए छोड़े भी डिप्लाई कीजिए, और यूके ने मेरा सेकंड गारंटी पर जाइए, यूके ने शुरू करे 2 साल का वर्क वीज़ा, उसका नाम वर्क वीज़ा है पर उसके नाम जॉब ऑफर चाहिए, इसके तो जॉब ऑफर चाहिए आपको और ना इंग्लिश टेस्ट से, और इवन फ्रेशर 2 साल का वर्क, वो है ओपन वर्क परमिट जहाँ पर आप एक एम्प्लॉयर से 50 के साथ भी काम कर सकते, तो गारंटी चैनल को जो फॉलो कर लेना। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो मैंने बताया फॉर्म AR01 फॉर्म है वो आप भरोगे, आपका एम्प्लॉयर आधा भरे, इसमें पर्सनलिटी लगेगी, और उसके अलावा आप एक फॉर्म बोलोगे AR06 जो है पावर ऑफ अटॉर्नी, जो आप अपने एम्प्लॉयर को दोगे कि वो आपके बिहाफ पर वर्क वीज़ा डेन अप्लाई कर सकता है। ये 2 छोटे से फॉर्म है और वीज़ा फीस की राह 50,000 रुपये है, जो कभी आप एम्प्लॉयर भी देते हैं, अगर वो आपसे बहुत खुश है वो आपको फ्री फ्लाइट टिकट और आप अकोमोडेशन भी दे देगा। ये डिपेंड करता है आपके उससे कैसे नेगोशिएशन हुई है इंटरव्यू स्टेज में। इसके अलावा आप कौन से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले आपको केस आईडी क्रिएट करनी है जो स्क्रीन पर दिखाई भी जा रही है। केस आईडी में आप पर्सनल डिटेल डालोगे, आपका नाम, पास, मोबाइल नंबर, जो कि 2 मिनट का काम है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करोगे, वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट फोटोग्राफ, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, आपका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल, कॉन्ट्रैक्ट 10 मार्च, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, आपकी सैलरी, क्या आपको पेड हॉलीडे मिलेंगी, पेंशन, सब कुछ मेंशन होना चाहिए। और आप लेकर जाओगे अपनी फ्लाइट टिकट, अकोमोडेशन, कहाँ रह रहे हो, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप दिल्ली वी आई अपने पैसा पे करोगे, और पैसा पे करने का अभी 10 to 15 days आपका वर्क वीज़ा लगकर आ जाएगा। तो गाइज यही प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना कॉन्टैक्ट है, मिनिमम ये मिलता है 4 साल का, अगर 4 साल ज़्यादा मिल गया आप आते हैं, आप नागरिकता में अप्लाई कर सकते हो। पर ये है वीज़ा दोनों के लिए, स्किल वर्कर के लिए भी है और हायर एजुकेशन के लिए, बस फर्क है स्किल वर्कर वीज़ा में आपके एम्प्लॉयर को शो करना पड़ेगा, वो आपको ट्रेनिंग करेगा, उससे एम्प्लॉयर को ट्रेन करता है, और हायर एजुकेशन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। पर दोनों ही वीज़ा सेम क्रिएट किया जाता है। अगर आपके मन में यूरोप जाने का है, पैसा अकाउंट में कुछ भी नहीं है, आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन आता है डिपेंडेंट वीज़ा के, मेरी वाइफ बच्चे आस पे, जी हाँ आपकी वाइफ और बच्चे आ सकते हैं, पर अगेन इसके लिए आपको एक ही चीज़ करनी है, जो लोग डरते हैं मेरे सब्सक्राइबर उन पर बोलूँगा, वो है जॉब फाइंड आउट, वो मिलेगा आपको टॉप के CV कवलेट से, जो मुझसे अच्छा प्रोग्राम मेरा 65 कंट्री एक्सपीरियंस, और मैंने 11 मल्टीनेशनल कंपनी UK में काम किया एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। बस आपको दिन रात जॉब अप्लाई करनी, एक बार जॉब लग गई पूरा खानदान बगैर पैसे के डेनमार्क पहुंच जाएगा, चाहे वो कोई और भी कंट्री हो। गाइस वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बताना, अगर मन में कोई भी डाउट, अगर आपकी स्किल नहीं मिल पा रही है मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं खुद एक समाज से फैया हूं लड़का, मैं ये नहीं चाहता कि समाज में कोई भी लड़के की आंखों में आंसू है और कोई भी लड़का ऐसे गरीब सिंगापुर में सड़कों पर सोए, क्योंकि इससे मेरी आत्मा कांपती है। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक।